साल भी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि कल हमने आपको लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 की प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 और 4 बताया, आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाएंगे। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ब्रेकट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए ये आपका फिगर है, पी क्यू पी ओ क्यू इज ए लाइन, एक लाइन है, ओ आर इस पर परपेंडिकुलर है और ओ एस एक दूसरी रेज। देखिए ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 का एंगल है। अच्छा, पी ओ आर दो एंगलों से मिलकर बना है, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, पी ओ एस आर ओ एस, क्यू ओ आर, अगर क्यू ओ एस में, क्यू ओ एस में हम आर ओ एस को सबट्रैक्ट कर दें तो क्यू ओ आर आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। आ एंगल आर ओ एस माइनस में इधर है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी एस। साइड चेंज, साइन चेंज, जगह बदली, निशान बदल गया, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपकी प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एंड एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, एक्स वाई को पी तक का प्रोड्यूस किया, वाई क्यू ने इसे बाइसेक्ट किया जेड वाई पी को, तो एंगल क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल हाफ पार्ट इक्वल होता है। एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, रे वाई जेड स्टेंड ऑन एक्स पी, वाई जेड जो है एक्स पी पे स्टेंड है, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। अच्छा, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू पी, वाई क्यू ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर दिया है, तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी, हाफ पार्ट इक्वल होगा, इज इक्वल टू 116/2 यानी 58 डिग्री। इसी का हम रेफ्लेक्स निकालेंगे भी आगे, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये एक्स वाई जेड 64 है, जेड वाई क्यू आपका 58 है, ऐड करेंगे तो 122। रेफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 58 यानी 302, क्योंकि क्यू वाई पी एंगल 58 है, किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स निकालना 360 में आप सबट्रैक्ट कर देंगे। इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई, हम 6.2 पे आ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल शीट सी डी, ये आपका फिगर है, एक लाइन ए बी है, दूसरी सी डी, तीसरी लाइन ने इसे इंटरसेक्ट किया है, ये आपका 50 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 130 है। देखिए एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 एल पी, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एक्स इज इक्वल टू 130 और वाई इज इक्वल टू 130, क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, बट दीज फॉर्म अल्टरनेट एंगल, ये जेड का शेप बना रहे हैं, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, एक्स वाई के इक्वल है और जेड का फॉर्म बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल का फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई आर एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स, ये आपका फिगर है, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल है, एक्स वाई जेड। देखिए वाई को 3:7 में वाई और जेड डिवाइड हो रहा है, तो लेट वाई भी 3 है एंड जेड भी 7 है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइनें पैरेलल है, और एक्स और जेड को आप देखिए तो एक बड़ा जेड बन रहा है।
तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एक्स इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू सेवन है अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है तो एक्स जेड के इक्वल होगा जो सेवन ए के इक्वल है। अब एक्स और वाई को देखिए एक यू का शेप बन रहा है लाइनें पैरेलल है यू का शेप बन रहा है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। एक्स की वैल्यू 7 है फिर वाई की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 180 10 ए इज इक्वल टू 180 ए इज इक्वल टू 18। अच्छा एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू 7 है 7 इंटू 18 126 डिग्री।